आप सब लोग। तो एक हम लोग आज बहुत ही इंटरनेशनल रेसिपी बनाने वाले हैं। यूजुअली हम लोग बहुत ही इंडियन स्टाइल बनाते हैं, बट हम लोग आज जर्मन में ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था। देखिए आप मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए अनियंस लिए हैं मैंने, पिकल्ड अनियंस। तो हम लोग आज बनाने वाले सॉसेज से प्रेरित होके हम लोग हॉट डॉग बनाने वाले हैं। ना हॉट डॉग बहुत ही पॉपुलर डिश है न्यूयॉर्क में और जर्मनी में, और जर्मनी से वो आया था क्योंकि वहाँ पे सॉसेजेस था, और सॉसेजेस के बाद उससे हम लोगों ने क्या किया, उसको ब्रेड में डाल के डिफरेंट टाइप ऑफ मस्टर्ड्स डाल के हम लोगों ने उसका एक वर्जन बनाया न्यूयॉर्क में, बहुत फेमस हो गया था। और तब से लेके आज तक हॉट डॉग बहुत ही पॉपुलर है। तो हम लोगों ने देखिए एक पैन गर्म कर लिया है, मैंने क्या किया है, और हम लोग ऑब्वियसली वेजिटेरियन वर्जन बनाएंगे हमारा जो हॉट डॉग है। अब देखिए हॉट डॉग का वेजिटेरियन वर्जन मतलब हमें प्रोटीन ही चाहिए। अब नॉनवेज वर्जन में तो सॉसेज यूज करते हैं, बट हम लोग एक कबाब टाइप बनाने वाले हैं उसके इसके लिए। तो देखिए मैंने गरम कर लिया है, उसमें अब मैं थोड़ा सा गार्लिक डालूंगी एंड हम लोग इसकी फिलिंग बनाने वाले हैं हॉट डॉग की। तो सबसे पहले मैंने बटर ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा गार्लिक डाल दिया है। वाओ एकदम अच्छा अरोमा आ रहा है। और थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने, और अब इसमें मैं डालती हूँ। राजेश जी सिंह हेलो एंड लीला जी सिंह हाय। हेलो राजेश जी, हेलो लीला जी। तो बटर डाल दिया है, उसके बाद मैंने गार्लिक डाल दिया है, अब ये मैं जिंजर डाल दी हूँ। ये हमारा जो है फिलिंग है हमारे जो वेजिटेरियन सॉसेज है उसका। तो ये देखिए अच्छा एकदम अच्छा अरोमा आ रहा है यहाँ पे। ये हो गया हमारा, ये मेरे पास ग्रीन चिलीज है और मैं ग्रीन चिलीज डाल दी थोड़े से। और एक्चुअली जो है हॉट डॉग जो है बहुत फ्लेवरफुल नहीं होता, उसके मेन जो इंग्रेडिएंट्स है उसके सॉस होते हैं। हाँ मेन इंग्रेडिएंट उसका जो फ्लेवर है सॉस से आता है, मतलब मस्टर्ड वाला जो सॉस होता है, मस्टर्ड सॉस एंड थोड़ा सा केचप होता है, अनियन होता है, बट हम लोग थोड़ा सा इंडियनाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा फ्लेवर देंगे हम लोग। हम लोग पहले सब्जियाँ डाल देते हैं, जैसे कि मैंने अभी तो ग्रीन चिली डाली थोड़ी सी, ये मैंने कैरेट्स डाले, गाजर थोड़े से चॉप कर लिए मैंने और छोटे ही चॉप किए ताकि जो फिलिंग हम लोग बनाएंगे और उसका जब सॉसेज बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ये मेरे पास कॉर्न है, थोड़े से कॉर्न डाल दिए मैंने। और जो सब्जियां है आपके ऊपर है, आप थोड़ा सा कुछ और ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड मशरूम, मशरूम भी बहुत एक अच्छा है इंग्रेडिएंट। ये देखिए मैंने अभी कैप्सिकम डाल दिया है, गाजर डाल दिया है, ग्रीन चिलीज डाल दी है, कॉर्न डाल दिया है, एकदम अच्छा कलरफुल हो गया है ये देखिए। अब इसमें मैं थोड़े से फ्रेंच बीन्स डालूंगी, बहुत ही ऑप्शनल है आपके ऊपर है ये सारे चीजें। और ये मेरे पास थोड़ा सा पेपरिका पाउडर है, पेपरिका पाउडर डालेंगे हम लोग इसमें थोड़ा सा। हम लोग फिलिंग ज़्यादा बना रहे हैं इसलिए इस हिसाब से मैं पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ, हल्की सी हल्दी जस्ट फॉर द कलर। ये मेरे पास थोड़ा गरम मसाला है, जैसे मैंने बोला आपको कि उसमें तो फ्लेवर कुछ भी नहीं होता एक्स्ट्रा, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा ब्लांड लगेगा वो, इसलिए हम लोगों ने क्या किया थोड़ा सा ले लिया है इसको। थोड़ा सा ऑयल और ले लेती हूँ मैं। अब हम लोग देखिए, अब इधर मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरे पास ये जो है, ये है मेरे पास मसूर की दाल, और उसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, भिगो के फिर उसको ग्राइंड कर लिया है, तो इस तरीके का टेक्सचर आता है और ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो हम लोग वो यूज़ करेंगे, मतलब इससे एक तो बाइंडिंग आ जाएगी अच्छी हमारी और प्रोटीन का भी इंटेक अच्छा हो जाएगा, तो वो डालेंगे। अब उसमें तो जो सॉसेज है वो तो मीट से ही बनता है, इसलिए वो एकदम
अच्छा उसका ये हो जाता है, लेकिन हम लोग वेजिटेरियन वर्जन में उसका जो है दूसरा वर्जन बनाएंगे। ये मैंने थोड़ी सी दाल डाल दी है और उसके साथ मैंने आलू लिए हैं बॉईल करके, देखे आलू लिए हैं, इसको भी हम लोग मैश करके उसमें डाल देंगे। मैंने हाथ धो लिए तो मैं हाथ से इसको थोड़ा सा मैश कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने 3 आलू डाले हैं, इफ यू वांट यू कैन ऐड मोर थोड़ा सा। तो ये इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम लोग इसको, और ये फ्लेवरफुल भी है, इसमें सब्जियां भी है और हेल्दी भी है। अगर आपको आलू भी नहीं डालना है तो खाली जो हमारी मसूर की दाल डाली है हम लोगों ने उससे भी हो जाएगा, सो यू नीड नॉट टू वरी। देखिए मैंने तेल भी बहुत कम डाला है, इसको हम लोग थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर लेते हैं ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। आलू तो कुक्ड है, जो हमारी जो दाल है उसको थोड़ा सा और अच्छे से कुक करने देंगे हम लोग। इफ एनीबडी जॉइंड लेट, मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर सकती हूँ, जस्ट लेट मी नो। और इसको हमको ठंडा भी होने को रखना है ताकि वो है ना टाइम लगेगा, क्योंकि हमको इसका जो है सॉसेज या फिर कबाब जैसे होता है ना वैसे बनाना है, तो हम इसको बहुत देर भी नहीं करेंगे। एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट डालेंगे, मैं सॉल्ट डालना भूल गई, अब मैं डालती हूँ। अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं। आप पाव भाजी जो है, पाव भाजी जिससे मैश करते हैं उससे भी कर सकते हैं। आई एम यूजिंग स्पैचुला टुडे। और ये हमारे पास कोरिएंडर है, तो वो कोरिएंडर अच्छी डालेंगे हम लोग, चॉप कोरिएंडर। गैस मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ और इसको हम लोग थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसको मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ। अब इसे ठंडा होने के लिए टाइम लेगा, तब तक हम लोग उसका जो बाकी प्रेपरेशन है वो कर लेते हैं। इसको मैं यहीं पे साइड में रख देती हूँ। एंड अगर आपको चाहिए तो आप इसमें राजमा भी डाल सकते हैं, वो भी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन मतलब हम लोगों ने एक जो है मसूर की दाल डाली है तो बहुत ही अच्छा है। हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हो जाएगा। अगर आपको चाहिए यू कैन ऐड पनीर, बट मेरे ख्याल से पनीर थोड़ा सा इसमें आप ग्रेट करके डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, मैं थोड़ा सा बटर ले लेती हूँ। और हम लोग जो है जो हमारे हॉट डॉग बंस है उसको हम लोग ग्रिल कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए कितने प्यारे हैं, और इसको मैंने बीच में से थोड़ा सा स्लिट किया है। यूजुअली हॉट डॉग्स ऐसे ही खाते हैं, तो देखिए हम लोग बीच में से इसको स्लिट करके उसको फिर फिल करेंगे। तो हम लोग इसको बस ऐसे ही रख देंगे, थोड़ा सा थोड़ा ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको भी कट देती हूँ थोड़ा सा।
यहाँ पे फिलिंग हो गई, हॉट डॉग हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं बीच में से काट रही हूँ उसे। ये देखिए मैंने बहुत ज्यादा इसको डीप कट नहीं दिया है, एकदम शैलो कट भी, एकदम नॉर्मल थोड़ा सा हल्का सा कट। ठीक है, इसको थोड़ा सा गैस कम करके हमने, ये देखिए ये साइड तो एकदम परफेक्ट हो गई। थोड़ा ये एंड से थोड़ा सा कर लेते हैं, और इतने अच्छे फ्लफी बंस हैं, आपको यूजुअली मिल जाएंगे मार्केट में। ये इसको टर्न कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि दोनों एंड से अच्छे से हो जाए। ये देखते हैं मीनवाइल थोड़ा ठंडा हो गया है, स्टिल वेरी हॉट, बट हमको उसकी जो है कबाब या फिर सॉसेज बनाना है तो उसके लिए इनफ है। राजेश जी सिंह बहुत सुंदर दिख रहा है और टेस्टी दिख रहा है ये, और नंदा जी सिंह हाय, थैंक यू सो मच राजेश जी, और बहुत ही मतलब टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, हमको भी इंडियन को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि देखिए मैंने थोड़ा मसाला इसमें डाला है ताकि वो थोड़ा जो है फ्लेवरफुल हो जाए। ये मेरे बंस हो गए, अब इसी में मैं थोड़ा तेल गरम करूंगी, हमको ना जो है कबाब उसको शैलो फ्राई करना है, तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगेगा, और उसके साथ मैं थोड़ा बटर डाल रही हूँ जस्ट टू गिव दैट अ रिचनेस। एंड अगेन अगर आपको इसको भी हेल्दी करना है तो आप जो है इसको बस ग्रिल कर सकते हैं, इसको जो हमारा जो सॉसेज बनेगा, बट आई वुड प्रेफर कि थोड़ा सा ये ऐसा हो जाए शैलो फ्राई तो अच्छा होगा। ये देखिए थोड़ा गर्म है ये, मैं थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेती हूँ। और हमको सॉसेज थोड़ा सा लंबा चाहिए, ये देखिए थोड़ा सा लिया है मैंने। अब धीरे धीरे इसको मैं बिल्ड करूंगी थोड़ा और ऐड ऐड करके। मीनवाइल मैं बना लेती हूँ थोड़े सॉसेज, थोड़े गरम है बट हमें वो करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये धीरे धीरे बना रही हूँ मैम, थोड़ा ठंडा हो गया तो हम लोग इसमें और अच्छे से करेंगे। और ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स हम लोग इसमें डाल देते हैं थोड़े से, और उसमें अच्छे से कोट करेंगे हम लोग, और बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग जो है हमारे हॉट डॉग्स बन जाएंगे। इसको देखिए मैं थोड़ा सा और साइड से ये भी कर लेती हूँ।
गैस बढ़ा देती हूँ मैं। और एक और बना लेते हैं हम लोग। देखिए अब अच्छे से ठंडा हो गया ये देखिए। इसको हम लोग को थोड़ा सा लंबी शेप देनी है। एक्सेस लग रहा है वो निकाल दीजिए। ये भी दूसरा इसको हम लोग अच्छे से होने देखिए। इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है इसका अरोमा, एकदम परफेक्ट ग्रिल हो गए। देखिए कबाब जैसे ही लग रहे हैं फुल। और वेजिटेरियन हमारे सब सब्जियां इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। और इसकी टेक्सचर भी एकदम वैसी रहेगी कबाब जैसे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ऐसा बहुत कुछ बाइंडिंग एजेंट वाला नहीं डाला है। हम लोगों ने बेसिक आलू और अब हम लोग इसकी जो है प्लेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। प्लेटिंग के पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए मेरे पास हॉट डॉग बन है, उसमें सेसमे सीड्स भी अच्छे लगे हुए हैं। अब हम लोग इसमें ना सॉसेस डालेंगे। सॉसेस बहुत मेन रोल प्ले करती है हॉट डॉग में। उसमें हम लोग थोड़ा सा मेयोनीज डाल देंगे। बहुत अच्छी क्वांटिटी में मेयोनीज डालेंगे कि सॉसेस मेन होती है इसमें। देखिए के ऊपर से हम लोग ये है, मेरे पास पिकल्ड अनियन है मैंने ले लिया। इसको विनेगर में डिप करके रखा था मैंने अनियंस को, और इसको अच्छे से होने दिया था 20-25 मिनट्स। तो ये हम लोग डालेंगे, उसका भी एक बहुत अच्छा अरोमा आएगा। और ये हमारा जो है वाओ, ये देखिए इतना लोडेड हो रहा है कि हमारा जो कबाब है वो उसको डालेंगे इसके ऊपर। आप चाहें तो उसकी साइज बड़ी कर सकते हैं। ये मेरे पास मस्टर्ड है, मस्टर्ड को मैं थोड़ा शेक कर लेती हूँ।
ये मेरे पास स्पाइसी मस्टर्ड सॉस है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। जो नॉर्मल मस्टर्ड होता है टीजा मस्टर्ड, वो थोड़ा सा येलोइश टिंट वाला होता है, ये मेरे पास स्पाइसी वाला है। और ये मैंने डाल लिया है और सॉस डालेंगे हम ऊपर से। एक और बना लेते हैं। इसमें हम लोग कैरमलाइज्ड अनियन डाल देते हैं। हमारा पिकल्ड अनियन ऊपर से थोड़े से, और थोड़ा सा सॉस ऊपर से। अगर आपके पास वो है उससे आप कर लीजिए, जो जिससे सॉस ड्रिजल होता है। और ये मेरे पास थोड़ी सी हैलेपिनो चिली थी। और अगर आपको इसमें और भी कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि कोई और सब्जियां यूज़ कर सकते हैं उसके साथ ही, आप थोड़ा सा सोया भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सोया पसंद है तो। जो फिलिंग है उसमें हम लोग प्रोटीन डालने की कोशिश करेंगे।